Subscribe to Pop Diaries and click on the bell icon for the latest update. असाच एक अनमोल क्षण आपल्या सर्वांच्याही वाट्याला येतो आहे गौरव पुरस्काराच्या वितरणाच्या निमित्तानं. श्री आमिर खान आणि नितेश किरण. किसी और फंक्शन में नहीं जाते, किसी और अवार्ड फंक्शन में नहीं जाते, लेकिन मास्टर दीनानाथ स्मृति प्रतिष्ठान के पुरस्कार में ये दूसरी बार आज विराजित हैं. हर काम में अपने आप को झोंक देने वाले कलाकार, गुणी अभिनेता एवं निर्माता, सिनेमा के क्षेत्र से मिली हुई इतनी बड़ी पहचान उन्होंने देश और समाज के प्रति कुछ अच्छा करने के लिए उपयोगिता में लाई. डिसलेक्सिया जैसी कोई अनदेखी बीमारी हो या फिर सत्यमेव जयते में चर्चा में लाया गया कन्या भ्रूण हत्या जैसा कोई अत्यंत संवेदनशील प्रश्न हो, आमिर जी किसी भी मुश्किल सवाल को भिड़ने से नहीं डरे हैं. यही दंगल हमने देखी अभी अभी एक ऐसी फिल्म में जहां हमारे देश में दिखाई देने वाले विरोधाभास पर उन्होंने बहुत सही टिप्पणी की है. एक जगह हम लड़का और लड़की में भेद करते हैं, पुरुष प्रधान संस्कृति हमारे लिए खास बन जाती है, और उसी तरह हम भारत को महासत्ता बनाने का, अतुल्य भारत बनाने का सपना भी देखते रहते हैं. इसी चीज पर एक करारा प्रहार है दंगल जैसी एक निर्मिति. आने वाले समय में भी आमिर जी और उनकी सहयोगी टीम ऐसे ही फिल्मों का निर्माण कर समाज को, देश को नई दिशा, नई प्रेरणा देती रहेगी. इसी शुभकामना के साथ आज हम दीनानाथ स्मृति प्रतिष्ठान की ओर से उन्हें गौरवान्वित करते हैं. हम सब के साथ अध्यक्ष जी विनंती करती हूँ आपसे, हमारी भावनाएं उन तक पहुँचाइए. नमस्कार दोस्तों, ये बहुत ही सम्मान, बड़ा सम्मान है मेरे लिए, नितेश के लिए. नितेश जी लेखक और डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा दीदी का, दीनानाथ ट्रस्ट का और पूरे कुटुंब का, मंगेशकर कुटुंब का, कि ये इज्जत जो मुझे मिली है, जो हमारी फिल्म को मिली है, उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा. फिल्म जो होती है वो एक लेखक से शुरू होती है, और इस फिल्म को जो इतना प्यार मिला है, इतनी इज्जत मिली है पूरे देश से, उसकी एक ही वजह है कि नितेश जी ने ये कहानी लिखी और इतनी बेहतरीन बनाई है. और इससे पहले कि मैं उनसे कहूँ कि वो दो शब्द कहें, मैं ये कहना चाहूँगा कि आज मैं जहाँ पर भी खड़ा हूँ, जो कुछ मैं हूँ, उसका श्रेय जो है वो उन सारे लेखकों को जाता है जिनकी फिल्में मैंने की हैं, जिनकी फिल्मों में मैंने काम किया है, वो सारे लेखकों को और वो सारे डायरेक्टर्स को, उनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ. उनके बेहतरीन काम की वजह से मुझे एक मौका मिला है कि मैं उसका हिस्सा बन सकूँ, तो उन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमारी पूरी टीम की तरफ से मैं ये स्वीकार करता हूँ. नितेश जी, एक्चुअली जो भी मुझे कहना था मोस्टली आमिर सर ने बोल ही दिया है, फिर भी मैं रिपीट करता हूँ थोड़ा. ये ना सिर्फ मेरे लिए और आमिर सर के लिए बल्कि हमारी पूरी टीम के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमें इतना बड़ा पुरस्कार जो मिला है. और मैं आपका, सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा, धन्यवाद करना चाहता हूँ.
जो आप लोगों ने हमें इस लायक समझा, और साथ में एक बहुत बड़ा शुक्रिया अदा मैं करना चाहता हूँ इस देश की पब्लिक का, जिन्होंने दंगल को इतना प्यार दिया, इतना अपनापन दिया, वो भी हमारे लिए किसी अवार्ड से कम नहीं है। थैंक यू सो मच।